सलमान खुर्शीद से मेरे सहयोगी जैनेन्द्र ने बात की है, आइए सुनते हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद। सर, किसको अधिवेशन, ये अधिवेशन कैसे, किसको कौन सा अच्छा लगता है वो बात देखते हैं। अधिवेशन पहले के अधिवेशनों से कैसे खास है? खास ये कि एक 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 नई नया युग है और नई लीडरशिप है और नई लीडरशिप ऐसे समय पे आई है जब बड़ी चुनौतियां हैं हमारे सामने, देश के सामने। तो वो नया नेतृत्व इस चुनौतियों का सामना किस दिलेरी के साथ करेगा, किस सोच के साथ करेगा, वो आज हमें देखने को मिलेगा। सवाल वही है कि वो कौन सी सोच होगी, कौन से मुद्दे आज अधिवेशन में उठेंगे? अगर मैं सब बोल दूंगा तो फिर राहुल जी के भाषण में क्या मजा आएगा? कहा जा रहा है कि राजनीतिक प्रस्ताव में ये प्रस्ताव आएगा कि चुनाव बैलेट से करवाया जाए पहले की तरह, ईवीएम पर भरोसा नहीं है, क्या इस तरह की बात? वो है क्योंकि देश में बड़ी चिंता है ईवीएम को लेकर, तो अभी प्रस्ताव सामने आ जाएगा फिर आपसे बात करें। तो तमाम तरह के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सबसे अहम बात यह है कि जो राजनीतिक प्रस्ताव आएगा उसमें बैलेट का मुद्दा उठा सकती है कांग्रेस पार्टी और ये मांग कर सकती है कि ईवीएम को लेकर के चूंकि शंका उठ रही है देश भर में, लोगों का यकीन घट रहा है, तो ऐसे में पहले की तरह बैलेट से चुनाव करवाए जाए। कैमरामैन वेद पांडे के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। नहीं, सवाल ये कि अगर ये मुद्दा होगा कि साहब ईवीएम हो या बैलेट हो, पेपर हो, सवाल यहां पर यह अवनिजेश, क्या आपको नहीं लगता कि यह एक किस्म का निराशावादी रवैया है कि अगर आप ईवीएम बैलेट की बात करें, क्योंकि अब तक हमारे पास कोई ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि कोई भी चुनावों में ईवीएम की ऐसी कोई बहुत बड़ी धांधली हुई है। मुझे ये थोड़ा सा निराशावादी रवैया लगता है कांग्रेस का। सर, एक सीधी सी बात है ना कि वैज्ञानिक प्रमाण है हमारे पास। बिल्कुल वैज्ञानिक प्रमाण है कि जिस समय गोरखपुर फूलपुर के चुनाव के नतीजे आ रहे थे, पहले घंटे में प्रवीण कुमार जो वहां के, उन्होंने जाके कह दिया था कि ईवीएम खराब है। और जब जीत गए तो ईवीएम ठीक हो गई। तो वैज्ञानिक प्रमाण है कि ईवीएम का उपयोग, ईवीएम के बहाने का उपयोग कैसे किया जा सकता है, अपनी गलतियों को, अपनी हार को ईवीएम में कैसे छुपा सकते हैं। वैज्ञानिक का जरिया बन गई है कांग्रेस के आपके सामने कि पहले घंटे ईवीएम खराब हो गई और बाद में ईवीएम ठीक हो गई। कांग्रेस ही नहीं, ईवीएम ने सबसे पहले बीजेपी ने ईवीएम का मुद्दा बनाया था। अच्छा, किरीट सोमैया ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया था कि कैसा ईवीएम का दुरुपयोग हुआ है। आप हार रहे हैं तो आप ईवीएम का रोनर होते। लेकिन जो विजय ने एक बात कही बहुत अहम बात है कि युवा और बुजुर्गों का ये समन्वय कैसे करेंगे। हाँ। ये बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ। हरियाणा में यदि हुड्डा के खिलाफ युवा नेता जो कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष है वो एफआईआर दर्ज करते हैं दिल्ली थाने में और राहुल गांधी देखते रह जाते हैं, इससे पता पड़ता है कि राहुल गांधी का पार्टी में वाकई कितना कंट्रोल है। देखिए, हम ये तो तमाम मुद्दे आपके सामने रख रहे हैं, वो ये इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये चुनौतियां हैं। अगर कांग्रेस वाकई एक जिम्मेदार विपक्ष रखना चाहती है, क्योंकि हम ये ना भूलें एक प्रजातंत्र के लिए बेहद जरूरी है एक मजबूत विपक्ष का होना, और कांग्रेस को उस विपक्ष को प्रदान करना होगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।